ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी माइनस टू ए बी। तीसरा फार्मूला हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। चौथा फार्मूला हमारा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी। ठीक, अगला फार्मूला हमारा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अगला नंबर हमारा है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगला फार्मूला हमारा है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रेकअप में ए माइनस बी बी। ठीक, अगला फार्मूला हमारा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। हमारे फार्मूले हैं। ठीक, सर्वसम्मिता के फार्मूले हैं। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये है दो प्लस तीन का होल स्क्वायर ना, दो में आप तीन जोड़िए कितना आएगा पांच, पांच के ऊपर घात कितनी दो, यानी पांच का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ पांच गुणे पांच ना, यानी पांच का गुणा किसमें करेंगे पांच, तो पचहत्तर कितना आएगा पच्चीस। कर सकते हैं इसको ना, लेकिन हमको सूत्र से करना है, किससे करना है सूत्र की मदद से करना है, सर्व समीकरण से लगाना है। तो देखिये सर्व समीकरण से हम कैसे लगाएंगे इसको, हम इसको सर्व समीकरण से भी लगा सकते हैं। आप इसको जानिए, जो दो लिखा है जानिए ए है, क्या है ए, ये क्या है बी, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है दो, दो, दो का स्क्वायर, ये बी की जगह पर क्या है तीन का स्क्वायर, उसके बाद प्लस टू सूत्र वाला टू ना, फिर ए, ए का मान कितना है दो, दो और बी का मान कितना है तीन। चलिए हल करिए, दो का स्क्वायर यानी दो का गुणा दो में, दो का गुणा दो में कितना होगा दो दूना चार, फिर तीन का गुणा दो में सॉरी तीन का स्क्वायर मतलब तीन गुणे तीन कितना होगा नौ। देखिए गुणा है दो दूना चार तिहाई, अब सब जोड़िए चार नौ तेरह, तेरह में बारह जोड़ेंगे कितना आएगा ये हमारा क्या हो गया, ये किसकी मदद से लगाए सर्व संख्या से, किसकी मदद से लगाए। चलिए देखिए, जैसे अब दूसरा सवाल हमारा है इसी पे, जैसे मान लीजिए दिया है x प्लस टू पूरे का होल स्क्वायर ना, ये क्या लिखा है a है, क्या लिखा है a, आप जानिए a है लिखा तो x है ना, लेकिन जानिए आप a लिखा है, ये क्या है b, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह टू का स्क्वायर प्लस टू सूत्र वाला ए, ए का मान कितना है x, और गुणे b का मान कितना है x का दो बार स्क्वायर करेंगे, x गुणे x मतलब x का स्क्वायर ना, दो का स्क्वायर मतलब दो गुणे दो, दो दूना चार, अभी आइए इसको गुणा कराते हैं दो दूना चार, साथ में क्या है yes. क्या हो गया yes. कोई दिक्कत yes. अगला देखिए दूसरे टाइप, जैसे लिखा है टू आई प्लस थ्री
का होल स्क्वायर। इसको हल करना है, आप इसको क्या करेंगे, ए लिखा है क्या है ए, और ये क्या लिखा है बी। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है धन बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है थ्री का स्क्वायर, प्लस सूत्र क्या होता है टू, ए का मान टू वाई बुढ़े बी का मान तीन, दो टू वाई का स्क्वायर कितना होगा दो दूना चार, और वाई की खाते दो, तीन का स्क्वायर यानी तीन बुढ़े तीन, तीन त्रिका दो दूना चार, चार तिहाई बारह, साथ में कौन है वाई, ये हमारा क्या हो गया एक्स बार, कोई दिक्कत नहीं।